तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? तो आज इधर पे स्टेशन आके बैठा हूँ, काली थे तो जाना है। तो आज बाल कटवाने के लिए आए हैं और कटवा भी लिया और बैग है इससे में। तो इसमें कॉलेज पे थोड़ा काम था, इसी कॉलेज पे गया था। तो काल ईद है और घूमने के लिए जाएंगे। काल का वीडियो देखना बहुत अच्छा होगा, बट काल का दिन का इंतज़ार है और काल हम जाएंगे घूमने के लिए और जगह। कल का वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, कल का देखना। और हेयर कट कैसा हुआ कमेंट करके बताना। और चलते हैं घर पे। बहुत बात इतने दूर से नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि रोज़ा रखा है इसीलिए। तो चलते हैं घर पे और कल आप लोग को साथ फिर से मुलाकात होगा। और जाएंगे कहाँ पर प्लानिंग अभी नहीं हुआ, तो कल से होगा। आप लोग फ्रेंड लोग हैं ना, बात करके कहाँ जाएगा तो हम लोग बताएंगे। और दोस्तों सुबह जो बारिश हुआ था ना, तो मैं बहुत खराब लग रहा था क्योंकि दो तीन साल बाद ईद आ रहा है और इकट्ठा होके हम ईद मनाएंगे। तो जब 2 साल से इंतज़ार है, जो छोटा छोटा बच्चा है वो ईद में जाएंगे, तो कुछ सामान वरीदा खिलौना वो ख़रीदेंगे, तो उनके भी एक खुशी रहता है क्योंकि हम जाके कुछ ख़रीदेंगे घूमेंगे। तो जब सुबह बारिश हुआ था ना, तो बहुत एक ज़्यादा मन में ख़राब लग रहा था क्योंकि 2 साल बाद में कोविड की वजह से ईद नहीं हुआ, इकट्ठा नहीं हो पाए। लेकिन इस बार होएंगे, बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है क्योंकि इस बात का मुझे, हम ईद मुबारक एक साथ मनाएंगे और घूमने के लिए जाएंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सबको मेरे दिल से कह रहा हूँ, सबको ईद मुबारक मेरे घर में। शायद सबको बोल दिया मैं, सब ने आएगा तो कहाँ बैठेगा, इतना जगह कहाँ मिलेगा सब। समझ रहे हो सब आ जाएगा। सॉरी, सबको ईद मुबारक मेरे घर में आना, मैं ईद मुबारक। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। कल का वीडियो देखना, बहुत मज़ेदार होने वाला है। और मिलते हैं बहुत जल्द आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। फैमिली का ख्याल रखना।